बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। लिंग जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, लिंग की पहचान क्या है, आप इसमें समझ पाएंगे। लिंग अर्थात स्त्री और पुरुष की पहचान, नर और नारी की पहचान। वे सब जिससे किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति का या नर या नारी जाति का बोध होता है, वे शब्द कहलाते हैं लिंग। जैसे माता बोलने से नारी जाति का, पिता बोलने से पुरुष जाति का बोध होता है, गाय बोलने से नारी जाति का, बैल बोलने से पुरुष जाति का बोध होता है। ऐसे शब्द जिससे नर और नारी, स्त्री और पुरुष का बोध होता है, वे शब्द कहलाते हैं लिंग। हिंदी में लिंग दो तरह के हैं, पहला है पुलिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुलिंग वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जिन शब्दों से नर का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, वह कहलाता है पुलिंग। जैसे अध्यापक, भाई, हाथी, शेर, बंदर, मोर, मोर, पेड़ आदि। ठीक उसी तरह स्त्रीलिंग वे शब्द जिससे स्त्री जाति का, नारी जाति का बोध होता है, वह कहलाता है स्त्रीलिंग। नारी जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे गाय, माँ, अध्यापिका, चिड़िया, कली, कुर्सी, साड़ी इत्यादि, ये कहलाते हैं स्त्रीलिंग। अब है स्त्रीलिंग की पहचान और पुलिंग की पहचान। प्रथम है पुलिंग शब्दों की पहचान। पुलिंग शब्द में कुछ वर्ब ऐसे हैं जो सदा पुलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल आदि। ग्रहों के नाम पुरुष, जैसे सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र। फिर देशों के नाम चीन, जापान, इंग्लैंड। वृक्षों के नाम आम, पीपल, नारियल। सागरों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। धातु तथा पदार्थों के नाम लोहा, सोना, तांबा, पीतल। अनाज के नाम गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का। फलों के नाम सेब, संतरा, केला। रत्नों के नाम हीरा, मूंगा, पन्ना, नीलम। महीनों और तथा दिनों के नाम जनवरी, फरवरी, बुध, माघ, जेठ। इसी तरह वर्णों के कुछ अक्षर हैं अ, आ, छोटा उ, क, म, स आदि। ये जो है वर्ण माला के अक्षर हैं जो पुलिंग के अंतर्गत है। फिर भाववाचक संज्ञा है कुछ, परोपकार, दयालुता, उदारता। समुदाय वाचक शब्द कुछ है, जैसे समाज, परिवार, वंश, दल। आकारांत संज्ञा वाले शब्द है, जैसे देह, पत्र, चित्र। और शरीर के कुछ अंग है जो सदा पुलिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, हाथ, पैर, गला। इस तरह अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्द की पहचान। जैसे कुछ नदियों के नाम है जो सदा स्त्रीलिंग में है, गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। भाषाओं तथा लिपियों के नाम है, जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगु, देवनागरी, रोमन आदि। बर्तनों के नाम है, चम्मच, बर्तन के नाम, जैसे थाली, कटोरा। मसाला और भोज्य पदार्थों के नाम हैं, जैसे रोटी, पूरी, हल्दी, धनिया, खीर। बेलों के नाम हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, बेल, चमेली, जूही। तिथियों के नाम हैं, जैसे प्रथम, द्वितीय, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। हथियारों, औजारों के नाम हैं, जैसे बंदूक, तलवार, तोप, गदा। आक्रांत, इक्रांत और उक्रांत संज्ञा वाले कुछ शब्द हैं, जैसे दया, कृपा, अहिंसा, मृत्यु, वायु आदि ये। और कुछ मौसम के नाम हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात आदि। ये हैं लिंगों की पहचान। बच्चे अब आप लिंग पुस्तक से पढ़िएगा, यदि आपको समझ में ना आए तो आप फिर हमसे संपर्क कीजिएगा।